राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के अधूरे निर्माण व जगदलपुर से रायपुर तक रोड टेस्ट के विरोध को लेकर बस्तर परिवहन संघ ने चक्का जाम कर दिया। बस्तर परिवहन संघ के सदस्यों ने चक्का जाम करते हुए जिंदाबाद के नारे भी लगाए। दूसरी ओर इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस विभाग की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। मामले के बारे में जानकारी देते हुए बीपीएफ के पूर्व अध्यक्ष चौहान का कहना था कि जगदलपुर से लेकर रायपुर तक पूरा रोड खराब है, पहले इस रोड को पूरी तरह तैयार कीजिए, उसके बाद ही टेस्ट के बारे में बात करिए। वहीं अन्य जगहों की अपेक्षा बस्तर में वाहन मालिकों से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। बस्तर की स्थिति देश के अन्य राज्यों की स्थिति में काफी अलग है। जगदलपुर में एक ओर से ही माल मिलता है जबकि दूसरे ओर से नहीं। इसलिए केंद्र सरकार से निवेदन किया गया है कि बस्तर में किसी प्रकार से कोई भी टैक्स न ले। वहीं बस्तर में जो माल आता है वह 300 किलोमीटर दूर से आ रहा है, जिसकी वजह से उसका भार व रेट बढ़ेगा। इसका पूरा खामियाजा बस्तर की जनता को भुगतना पड़ेगा। चौहान का कहना था कि 15 दिन में अगर इस टैक्स को बंद नहीं किया गया तो वे अपने हिसाब से इस मामले को निपटाएंगे और जो होगा देखा जाएगा। टोल टैक्स है तो दूसरा टोल टैक्स नहीं लगा सकते, जबकि इनका बेड़मा का यहाँ से वहाँ दूसरा तीसरा टोल टैक्स सबकी 60 किलोमीटर के अंदर है। इस तरह का हम लोग के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है और बिल्कुल हमारी पूरे बस्तर परिवहन संघ की ओर से मैं ये मांग करता हूँ कि टोल टैक्स बंद किया जाए जब तक ये रोड का पूरा निर्माण ना हुए यहाँ से रायपुर। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोगों का चक्का जाम है। इसमें हमारे बस्तर परिवहन संघ के सभी सदस्य हैं, बेला डीला ट्रक अनर्स एसोसिएशन है, कोंडागांव यूनियन वाले सभी ट्रांसपोर्ट संघों ने, बस्तर संभाग के जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उन सभी ने हमको समर्थन किया है। नगरवासियों ने भी हमको फोन पर कहा, हमारे भी पूर्ण रूप से सहयोग है और आप अच्छा काम कर रहे हैं।